अगली बड़ी खबर है, संसद की सुरक्षा में सेंध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी और कहा कि यह घटना बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है। मामले में वाद विवाद की जरूरत नहीं है, संसद परिसर में जो कुछ भी हुआ बहुत चिंताजनक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसकी गहराई में जाना चाहिए। घटना के पीछे कौन से तत्व हैं, उनके मंसूबे क्या हैं, मकसद क्या है, ये जानना बेहद जरूरी है। कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं कर सकती। विपक्ष सकारात्मक राजनीति करे, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए घातक है, खतरा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से कहा। अपनी प्रतिक्रिया में कहा कि संसद में जिस तरीके से सुरक्षा में सेंध लगी है उसके पीछे मंसूबे क्या है, कौन से तत्व उसके पीछे छुपे हो सकते हैं, वहां तक पहुंचना बहुत जरूरी है। कोई भी ताकत अनुच्छेद 370 की वापसी नहीं कर सकती। विपक्ष को उन्होंने हिदायत देते हुए कहा है कि विपक्ष सकारात्मक राजनीति करे, परिवारवाद लोकतंत्र के लिए खतरा है, संसद की सुरक्षा में सेंध पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला रिएक्शन आ चुका है और कहा है कि यह घटना बेहद दुखद है, चिंताजनक है, इसकी गहराई में जाना बहुत जरूरी है, कौन से तत्व हैं, उनके मंसूबे क्या हैं, ये जानना बहुत आवश्यक है। 370 का भी उन्होंने जिक्र किया। स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। स्वाति, जिस तरीके से संसद की सुरक्षा में एक बड़ी सेंधमारी हुई, प्रधानमंत्री की पहली प्रतिक्रिया, इसको किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि 370 का भी उन्होंने जिक्र कर दिया यहां पर। स्वाति से फिलहाल संपर्क नहीं हो पा रहा है। प्रधानमंत्री ने सलाह दी है विपक्ष को सकारात्मक राजनीति करे, विपक्ष परिवारवाद लोकतंत्र के लिए घातक है, खतरा है, संसद की सुरक्षा में जिस तरीके से सेंधमारी हुई, तमाम सवाल उठे। और स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ चुकी है। स्वाति, संसद की सुरक्षा में सेंधमारी के बाद प्रधानमंत्री की यह पहली प्रतिक्रिया है, कई बातों का जिक्र किया है, अनुच्छेद 370 के हटने का भी जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है, इसको किस तरीके से देखा जाए? जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री ने अगर हम कहें तो विपक्षी पार्टियों पर निशाना भी साधा है और जिसका इंतजार अगर हम कहें विपक्षी पार्टियों की तरफ से भी लगातार किया जा रहा था कि प्रधानमंत्री ने अब तक क्यों नहीं कहा, तो प्रधानमंत्री ने बड़ी बातें कही है कि जो संसद पर घटना घटी है 13 दिसंबर को वो बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है, मामले में वाद विवाद की जरूरत नहीं है, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है। और ये भी कहा गया है कि जो संसद परिसर में घटना हुई वो चिंताजनक है, इसकी गहराई में जाना जरूरी है। और ठीक है स्वाति, आपको रोकना चाहेंगे, बीजेपी से इस वक्त प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं भारत समाचार पर। राकेश त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत। संसद में जिस तरीके से सुरक्षा में सेंधमारी हुई बहुत निंदनीय है, लगातार उस पर सवाल उठ रहे हैं और जांच भी होनी चाहिए, लेकिन राकेश त्रिपाठी जी आप क्या मानते हैं इसके पीछे की वजह, और प्रधानमंत्री की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है, कैसे देखा जाए? संसद लोकतंत्र का मंदिर है, लोकतंत्र के मंदिर में इस प्रकार की घटना का होना ये कहीं ना कहीं संसद पर हमले जैसा है और इस प्रकार की गतिविधि का किसी भी आधार पर किसी भी कारण से इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, इस प्रकार की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं दिया जा सकता है, ये कोई आंदोलन धरना प्रदर्शन या विरोध का तरीका नहीं हो सकता है। बहुत सारे विरोध हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, संसद के सामने घेराव करते रहे हैं, संसद के लिए मार्च करते रहे हैं, लेकिन संसद भवन के भीतर इस प्रकार से आतंकवादियों की तरह से घुसना, थ्रेटन करना, सुरक्षा मानकों को ताक पर रखना और वैश्विक परिदृश्य में भारत की साख को गिराने का प्रयास करना, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। मुझे लगता है कि इस मामले में दलगत राजनीति ऊपर उठ करके बात करनी चाहिए। दुर्भाग्य यह है कि राहुल गांधी, राकेश त्रिपाठी जी, वो भी तब जब नया संसद भवन बना हो, 4 लेयर सिक्योरिटी हो वहां पर, उसके बाद इतनी बड़ी सेंधमारी कौन हो सकता है, किसके मंसूबे हो सकते हैं? देखिए कोई आत्मघाती दस्ता बनकर के इस प्रकार की गतिविधि करेगा तो निश्चित तौर पर ये चिंताजनक है। सिक्योरिटी एजेंसीज को इस बारे में और चिंता करनी होगी और इसकी सिक्योरिटी कैसे, इंटेलिजेंस एजेंसियां कैसे ऐसे लोगों की मनता को समझ पाएं, इसमें वर्क कर पाएं, निश्चित तौर पर इस पर और विचार करने की आवश्यकता है। लेकिन जिस तरह से इसका बचाव करने का काम राहुल गांधी जी कर रहे हैं, इसके बचाव के पक्ष में तमाम आज विपक्ष के नेता तर्क गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और तमाम विपक्षी नेताओं के साथ जिस तरह के इन लोगों की फोटो दिखाई पड़ रही है, निश्चित तौर पर यह षड्यंत्र प्रतीत होता है कि विपक्ष ने एक कुत्सित घिनौना षड्यंत्र करने का काम किया है। और ये संसद कोई भाजपा की का भवन नहीं है, कोई भाजपा का मुख्यालय नहीं है, ये संसद सभी पूरे देश के 140 करोड़ नागरिकों की आस्था का केंद्र है,
ये लोकतांत्रिक मंदिर है, ये कांग्रेस, सपा, बसपा, भाजपा, आरजेडी, जेडीयू, किसी टीएमसी, किसी एक पार्टी का नहीं है, ये सबका मिला करके है, ये देश की जनता का है। इसलिए इस तरह की घटना का होना ये लोकतंत्र पर हमला है, लोकतंत्र के मंदिर पर हमला है, इसको उसी रूप में देखा जाना चाहिए। 13 सांसदों पर जो कार्यवाही हुई है उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे राकेश त्रिपाठी जी? देखिए, लोकतंत्र में प्रतिरोध करने का, विरोध करने का सबको जायज अधिकार है, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन नियमों के तहत होगा। विरोध भी करने के लिए अलग से तरीके, परंपराएं तय की गई हैं कि आप कैसे विरोध करेंगे, आप संसद को बाधित करेंगे, आप संसद में इस प्रकार का आचरण प्रस्तुत करेंगे जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया का मखौल उड़ेगा, जिससे देश और दुनिया के सामने भारत की प्रतिष्ठा घटेगी। आज हम संसद के दृश्य दिखा करके आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहते हैं? संसद कोई मछली मंडी नहीं है, संसद कोई बाजार नहीं है, संसद में तर्क होगा, वितर्क होगा, लेकिन कुतर्क के लिए कोई स्थान नहीं हो सकता है। संसद में आप पक्ष विपक्ष में अपनी बातें कह सकते हैं, आप सरकार का विरोध कर सकते हैं, लेकिन संवाद ही करेंगे ना, विवाद तो नहीं कर सकते हैं। और संसद के नियमों को अगर तोड़ने का काम किया तो सभापति को ये पूरा अधिकार है कि वो संसद के सदस्यों को निलंबित करे, उनको बर्खास्त करे या उनकी सदस्यता को रद्द करे। बहुत धन्यवाद राकेश त्रिपाठी जी जुड़ने के लिए, भारत समाचार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। और स्वाति पाठक मेरे साथ जुड़ी हुई है इस खबर पर। स्वाति, तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, फिलहाल अभी ये जांच का विषय है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टिप्पणी इस मामले में कर दी है, प्रतिक्रिया दे दी है, अब निश्चित तौर पर और भी प्रतिक्रिया निकलकर सामने आएंगी इसके बाद। स्वाति जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि स्पीकर महोदय जो है वो पूरी गंभीरता से आवश्यक कदम उठा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसकी गहराई तक जाने की जरूरत है, क्योंकि अगर दूसरी तरफ देखें हम तो विपक्षी पार्टियों की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री इस मसले पर अब तक क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। ठीक है, आपको स्वाति मैं रोकना चाहूंगी। सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया जी, स्वागत है आपका। संसद की सुरक्षा में जिस तरह से बड़ी सेंधमारी हुई, प्रधानमंत्री ने भी प्रतिक्रिया अपनी दे दी है और कहा है कि बहुत गंभीर घटना है, इसको विपक्ष को सियासत के तौर पर नहीं देखना चाहिए। देखिए, गंभीर घटना भी है और आप कह रहे हैं कि इस पर कोई बोले भी नहीं, तो क्यों नहीं बोलेगा भाई विपक्ष? आपके आपके सांसद के लेटर से चिट्ठी जारी होती है, पास बनते हैं और वो लोग पार्लियामेंट के अंदर भी घुस जाते हैं और उसके बाद आपके वहां से बयान आता है कि छोटी मोटी घटना है। तो आप अपने सांसद जिन्होंने चिट्ठी लिखी उस पर इंक्वायरी नहीं होगी क्या? अभी यही चिट्ठी अगर किसी विपक्ष के किसी नेता लिखी होती तब तो अब तक हल्ला मचा दिया होता। और आप जब सुरक्षा के मुद्दों पे देश में पार्लियामेंट के अंदर में विपक्ष आवाज उठाता है तो आप पार्लियामेंट से बाहर कर देते, ये पहली नई परंपरा देखने को मिल रही है। अगर आप विपक्ष स्वास्थ्य के मुद्दे पे बोलेगा, सुरक्षा के मुद्दे पे बोलेगा, महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी पे, महिला समस्या के मुद्दे पे बोलेगा तो उसको पार्लियामेंट से बाहर कर दिया जाएगा। आप विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं भाई? सुरक्षा का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा और विपक्ष उसके आपसे जवाब मांग रहा था तो आपने पार्लियामेंट से उनको बाहर निकाल दिया? ये जिम्मेदारी तो सरकार की बड़ी होती है ना, और सरकार की जिम्मेदारी इधर उधर की खोज रहे हैं। अरे पहले अपने सांसद जी से खोजिए ना कि उन्होंने जो चिट्ठी बनाई है, जब वो चिट्ठी जब पास कोई एमपी बनाता है तो उसमें साफ उस फॉर्मेट में लिखा रहता है कि इस व्यक्ति को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं और इसकी जिम्मेदारी मेरी है। तो जब उसमें सब कुछ उन्होंने लिख दिया कि मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, जिम्मेदारी मेरी है, जब सांसद जी के फॉर्म पे है सब कुछ लिखा हो, तो उनसे पूछताछ होनी चाहिए ना कि ऐसा क्यों हुआ। और आप सवाल उठा रहे हो विपक्ष पे, माने विपक्ष अगर किसान के मुद्दों पर बात करता है तो आप कहते हो राजनीति कर रहा है विपक्ष। विपक्ष अगर महंगाई के मुद्दे पे बात करता है तो आप कह रहे हो राजनीति कर रहा है विपक्ष। विपक्ष अगर महिला समस्या पे बात करता है, अगर आवाज उठाता है तो कह रहे हो राजनीति कर रहा है विपक्ष। सुरक्षा के मुद्दों पे आवाज उठा रहा है, फोर लेयर सिक्योरिटी होने के बावजूद भी जिस तरीके से चार युवक वहां पर दर्शक दीर्घा में घुस आते हैं, ये आपको लगता नहीं कि बहुत बड़ी सेंध है इसके पीछे, एक बहुत बड़ी स्क्रिप्ट भी हो सकती है? मैं वही तो आपसे जानना चाहता हूँ, जब ये पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ तो कहा कि नई संसद है, इसमें सुरक्षा के इतने कड़े इंतजाम हैं, ये पार्लियामेंट ऐसी पार्लियामेंट बनी है जहाँ पे कोई परिंदा पर नहीं मार सकता, बहुत ही सुरक्षित है, फिर कैसे घुस गए? फिर आपकी सुरक्षा कहाँ चली गई? तो क्या विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा इस पे? विपक्ष जनता की आवाज है और विपक्ष पार्लियामेंट की आत्मा है, विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है, ठीक है, विपक्ष अपने विपक्ष का धर्म निभा रहा है, सत्ता पक्ष सत्ता का धर्म नहीं निभा रही है। आज वो राजदंड जो उन्होंने लगाया था, वो राजदंड कहाँ गया? राजदंड इसीलिए लगाया गया था ना कि न्याय पे बात होगी, वहां पे वहां तो न्याय हो ही नहीं रहा है, वहां तो अन्याय हो रहा है। विपक्ष आवाज, लोकतंत्र में विपक्ष एक विपक्ष लोकतंत्र का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, पार्लियामेंट की आत्मा होता है। बहुत धन्यवाद अनुराग भदौरिया जी, आपने भारत समाचार से बातचीत की, अपनी प्रतिक्रिया पहुंचाई यहाँ पर। इस बुलेटिन में इतना।